यूपी की बुलंदशहर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहनलाल धामेड़ा अड्डा रोड पर अरविंद ज्वेलर्स नाम की शॉप पर दो अज्ञात बाइक सवार लोगों ने दुकान पर बैठे दुकानदार राहुल को गोली मार दी, जिसमें राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें कि अज्ञात बाइक सवार लोग दुकान में घुसे और ज्वेलर्स के दो गोलियां मारी, जिसमें एक गोली ज्वेलर्स को लगी। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी SSP श्लोक कुमार, SP सीटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, ASP अनुकृति शर्मा, कोतवाली प्रभारी नगर संजीव शर्मा मैं फोर्स के साथ पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरे खंगालने में लगी है। बता दें कि SSP श्लोक कुमार सिन्हा का दावा है 7 टीमें गठित कर दी गई है, जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं परिजनों की माने तो बाइक सवार अज्ञात लोगों ने पहले राहुल को गोली मारी और उसके बाद दुकान में रखे दो डब्बे ले गए, जिसमें सोने के आभूषण थे। ये थाना कोतवाली नगर में धमेड़ा अड्डा पड़ता है। यहाँ पे एक दुकान है जिसमे की मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग आए थे और उन्होंने अंदर फायरिंग की है, जिसमे जो यहाँ बैठे हुए यहाँ के व्यापारी थे उनके गोली लगी है। उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है और उनका उपचार कराया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह हम लोग को मिला है, जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 7 टीमें इस पे लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। सर लूट भी हुई है क्या? लूट भी की है क्या? अभी जो इन्होंने बताया है कि वो सामने दो डब्बे रखे हुए थे वो लेके गए हैं और डिटेल्स और अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की। जो अंदर बैठे हुए ग्राहक थे वो लोग यहाँ मौके पे थे और उनके सामने की ये घटना हुई है। उन लोगों से भी हम लोग बयान दर्ज करा रहे हैं और फुटेज भी देखा जा रहा है। फुटेज से कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मिली हैं, जिसपे हमारी टीमें काम कर रही हैं निरंतर।